प्रिय मित्रों, शुभ आशीर्वाद। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मंगल बुध ग्रह की युक्ति कुंडली के किन किन भावों में आपको भाग्यशाली बनाता है। जिसके लग्न में बुध हो, मंगल बुध हो, ऐसे लोग पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, समझदार होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रखते हैं और सफल होते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग उच्च सोच रखते हैं, उच्च विचार रखते हैं, माता पिता भाई बंधुओं के सेवक होते हैं, कभी जेल नहीं जाते, कभी चरित्र खराब नहीं होता। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण शिक्षा पाते हैं, अच्छे विद्वान होते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ये शत्रु विहीन होते हैं, कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी इनका चरित्र खराब नहीं होता। जिसके नौवें भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, अच्छा भाग्य साथ देता है, बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, कभी गरीब नहीं होते हैं, कभी इनकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती है। जिसके कुंडली में दसवें भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग संसद राजनीति में सफलता पाते हैं, संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, बड़े उद्योगपति बनते हैं, समाज में इनको किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है, अपना पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसके कुंडली में ग्रहमय भाव में मंगल बुध की युक्ति हो, ये अक्षमातिक धन पाते हैं, जमीन से संबंधित धन इनको मिलता है, गल्ला कपड़ा रियल इस्टेट संबंधी व्यापार में ये अच्छा धन पाते हैं। ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, इनको सरकार से भी उच्च पद की प्राप्ति होती है और इनके पास परिवार संतान सांसारिक सुख की कमी नहीं रहती है, अपना ये स्वयं निर्माण किए रहते हैं, अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। दोस्तों, ये आज आपके के सामने मैं छोटा सा प्रोग्राम प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मेरे द्वारा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए आपसे मैं विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।